हे गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना क्या है, बैकग्राउंड को करना है ओपन। एंड गाइस, उसके बाद आप सभी को करना क्या है, आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है जिसका मॉडल आप लगाना चाहते हो। जैसे गाइस, मैं अपना मॉडल लगा लेता हूँ गाइस इस जगह पे, इस तरीके से। अगर आप सभी को बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो गाइस आप सभी को कुछ करना नहीं है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर वीडियो को देख लेना, आपको सिंपली समझ आ जाएगा। तो मैं फोटो कर लेता हूँ, डन। एंड गाइस, आप सभी को करना क्या है, अब आपको गाइस थोड़ा सा इसमें कलर एडजस्टिंग करनी है। ठीक है गाइस, आप अपने हिसाब से कलर एडजस्टिंग कर सकते हो, बट गाइस मैं फिर भी आप सभी को बता देता हूँ, आप इस तरीके से कर लेना गाइस। ठीक है, आप अपने आप से अपने तरीके से देख देख के आप कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं सैचुरेशन को बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, एंड ह्यू को भी, वो सॉरी हाईलाइट को भी थोड़ा इंक्रीज माइनस कर लेता हूँ। ठीक है, एंड आप अपने हिसाब से वैसे कर सकते हो गाइस, बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एंड गाइस, मैं इसको डन कर लेता हूँ। एंड गाइस, अब आप सभी को करना क्या है, अब आप सभी को जाना सिंपली एफएक्स में। एफएक्स में जाने के बाद गाइस आप सभी को कुछ मोड देखने का जिस तरीके से। एंड गाइस, मैं इसमें चले आता हूँ, एफएक्स में चले आता हूँ। ठीक है गाइस, एफएक्स में जाने के बाद गाइस आप सभी को ये वाला लेना है। ठीक है, इसको लेने के बाद गाइस आप सभी को करना क्या है, आप सभी को जाना है इरेजर टूल के अंदर। ठीक है, इरेजर टूल में जाने के बाद गाइस आपको इस आइकन में जाना है। इस आइकन में जाने के बाद गाइस आप सभी को इस पर टैप करना है। एंड गाइस, इसकी सैचुरेशन को बढ़ा देना है। ठीक है, इस तरीके से। एंड गाइस, इसको सिंपली आपको बड़ा करना है इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे बड़ा कर लेना है। एंड गाइस, इसको हाथ से ऐसे लाकर टैप करके इसको इस तरीके से अपने फेस के बीच में लगाना है। ठीक है, इस तरीके से ब्लैक में लगा लेना है। आपकी आपकी मर्जी है गाइस, आप जिस तरीके से जिस साइड लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। ठीक है, इसमें लगा लिया। एंड गाइस, अब हमें इरेजर टूल सेलेक्ट करना है। एंड गाइस, हम सभी को ऊपर से इरेज करना है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ऐसे इरेज कर लेना। इरेज करने के बाद गाइस, मैं थोड़ा सा फेस के नीचे हिस्सा रह गया है थोड़ा सा, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ये साइज को छोटा कर लेता हूँ गाइस। एंड मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर देना। एंड अब मैं ऊपर से कर, ये देखिए गाइस हमारी फोटो यहाँ तक डन हो चुकी है। सो गाइस, मैं अब फोटो कर लेता हूँ डन। ठीक है गाइस, एंड गाइस जब आप इसमें थोड़ी सी कलर करेक्शन करेंगे वो करेंगे लाइट रूम के अंदर। सो सॉरी गाइस, एक वो रह गया हमारा एक, तो गाइस हम वो मैंने गाइस का PNG नहीं बनाया, बिकॉज गाइस इसमें यार PNG बनाता फिर गाइस आप डाउनलोड करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं आपको सिंपली सीधा यहीं से समझा देता हूँ। सो गाइस, आप सभी को ऐसे करना है। ठीक है गाइस, इसको आपका ब्लैक कलर में रखना है। ठीक है, जूम करना है और आपको जहाँ अच्छा लगे जिस तरीके से आप वहाँ लगा सकते हो गाइस, आपका जहाँ मन करे। मैं एक बार फेस पे लगा कर देख लेता हूँ, वैसे फेस पे थोड़ा सही नहीं लगा था, मैं गाइस इसको उठा के थोड़ा साइड में लगा लेता हूँ, ये थोड़ा गाइस यहाँ पे फेस के अपने गाल पे लगा लेता हूँ। ठीक है गाइस, एंड गाइस ऊपर से कर लेता हूँ डन यहाँ तक। एंड गाइस, कलर क्रिएशन जो भी होगी हमारी लाइट रूम के अंदर होगी। सो गाइस, ड्रॉ टूल में जाके हम फोटो को सिंपली सेव कर लेते हैं। यहाँ से गाइस फोटो की क्वालिटी डाउन नहीं होती, इसलिए हम यहाँ से सेव करते हैं। ठीक है गाइस, सो गाइस अब चलते हैं लाइट रूम के अंदर। लाइट रूम को मैंने ओपन कर लिया। ठीक है गाइस, लाइट रूम में जाने के बाद गाइस आप सभी को ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को अपनी वही फोटो को ऐड करना है जो आपको इसमें जिसमें कलर करेक्शन करनी है। ठीक है गाइस, सो गाइस ये मैंने फोटो को लिया हूँ गाइस। सो अब पहले हम जाएंगे गाइस इस लाइट वाला आइकन पे। एंड गाइस, एक्सपोजर को देखते हैं गाइस कहाँ पे सही लग रहा है, तो थोड़ा गाइस मैं एक्सपोजर को बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, एंड कॉन्ट्रास्ट को भी गाइस मैं थोड़ा सा माइनस कर लेता हूँ। ठीक है, एंड हाईलाइट को भी मैंने प्लस किया। एंड गाइस, शैडो को माइनस। ठीक है, सो इस तरीके से आप सभी को करना है। ठीक है, अपने हिसाब से आप गाइस बढ़ा सकते हैं। एंड गाइस, आपको जाना नीचे वाले टूल पे। एंड गाइस, फिर रेड कलर को सिलेक्ट करके एंड गाइस यू को बढ़ा देना है। एंड गाइस, ऑरेंज वाले आइकन पे जाना है। ठीक है, इस तरीके से आप गाइस, मैं थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ बिकॉज गाइस वीडियो वैसे लंबी हो चुकी है, तो गाइस मैं थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ। सो गाइस, फोटो हो चुकी है हमारी डन। एंड गाइस, अब फोटो कर लेते हम सेव। एंड गाइस, मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।